गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संस्था में पहले घूमकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो कि प्लस वन कक्षा के ऊपर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं प्लस वन के कुछ चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इस पीरियड में प्लस वन की कक्षा का जो द एडवेंचर नाम का पार्ट है उसका बेस केस समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग। देखिए, आज हम इस पीरियड में जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका सेवन चैप्टर, जिसका नाम है द एडवेंचर। द एडवेंचर, एडवेंचर आप सबको मालूम है क्या होता है? रोमांच, रोमांच, ठीक है। और द का मतलब एक वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि आर्टिकल है द एडवेंचर, सॉरी एडवेंचर, ठीक है। अब इसको शुरू करते हैं कि हमारा ये जो चैप्टर है एक प्रोफेसर के बारे में है, हु इज एन हिस्टोरियन। एक प्रोफेसर के बारे में जो क्या है, एक इतिहासकार है या हिस्टोरियन है, और इन हिस्टोरियन के हिस्टोरियन भी है और क्या है, ये प्रोफेसर भी है। और इन प्रोफेसर साहब का क्या नाम है भी? गेटिनोड, गेटिनोड। और जिनको बोला जाता है क्या, गंगाधर पंत। देखिए, ये आपका चैप्टर जो स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, एक प्रोफेसर के बारे में है जिनको गेटिनोड बोला जाता है, और इनका एक्चुअल नेम जो है वो क्या है, गंगाधर पंत है। ही गिव मेनी स्पीचेस अबाउट हिस्ट्री, उन्होंने इतिहास के बारे में बहुत से स्पीचेस दिए हैं, और अब वो स्पीच देने वाले हैं कहां पे, पूना में, पूना के रहने वाले हैं। ही लिव्स इन पूना, जो प्रोफेसर गेटिनोड है प्रोफेसर गेटिनोड, किस पे, अबाउट द रिजल्ट ऑफ, रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत। जैसे कि इन्हें आपने देखा कि भी जो प्रोफेसर गेटिनोड है ये हजारों में की संख्या में, सॉरी हजारों अपना भाषण देने वाले हैं, स्पीच डिलीवर करने वाले हैं, इसके बारे में, बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। लेकिन जो इनका ये स्पीच है ये इन्वर्स कंडीशन में होगा। इन्वर्स कंडीशन मीन्स ये प्रिज्यूम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो रिजल्ट हुआ किसका, पानीपत की लड़ाई का, क्या कि उसमें मराठा जो थे वो हारे और अहमद शाह अब्दाली जो था वो जीता। अब प्रोफेसर गेटिनोड कहते हैं कि क्या रिजल्ट होता अगर हिस्ट्री इन्वर्स होती कि मराठा जीत जाते और अहमद शाह अब्दाली हार जाता। इन टॉपिक पे उन्हें अपना भाषण देना है। और बिफोर फ्यू डेज, कुछ दिन पहले जो स्पीच था, बिफोर इज स्पीच, उनके भाषण से पहले ही स्ट्रक By a truck. क्या हुआ? वो जो थे प्रोफेसर गेटिनोड, उनके जब स्पीच था हिस्ट्री के बारे में, पानीपत के रिजल्ट जो थे पानीपत की लड़ाई के, उनको इनवर्स में प्रेजेंट करने के लिए कि क्या होता अगर इसका उल्टा परिणाम होता, इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने जब कई रिसर्च किए, कई अध्ययन किए, लाइब्रेरीज में भी गए, बहुत से तथ्य या मैटर्स के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट्स किए। लेकिन उनके भाषण से कुछ दिन पहले शाम के समय, व्हेन ही वाज गोइंग समवेयर, ही स्ट्रक बाय ए ट्रक, वो ट्रक के द्वारा टकराए, और उस टकराव से क्या हुआ, उनकी जो मेमोरी थी, जो उनकी समझ थी, बुद्धि थी, वो पास्ट के इनके इंसिडेंट्स में पहुंच गई, पास्ट की घटनाओं में वो विचलित होने लगे, और जो अनुभव उन्होंने पास्ट में ऑब्जर्व किए, महसूस किए, he shared his observations and his views with his friend, who was a
who was a scientist and whose name was it? Mr. Rajendra Deshpande. Rajendra Deshpande. Rajendra Deshpande जो थे उनके साथ उन्होंने अपने अनुभवों को बांटा, अपने अनुभवों के बारे में बताया, जो जो उन्होंने पास्ट में देखे, जो पास्ट में ऑब्जर्व किए. He shared his views with his friend. His name was Mr. Rajendra Deshpande and he was a scientist. He was a साइंटिस्ट. तो क्या थे? एक वैज्ञानिक थे जिनके साथ उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात. और टाइटल आपको मैं बता चुका हूं कि जो पानीपत की बैटल था जिसके बारे में वो रिसर्च कर रहे थे वो क्या थे? इनवर्स रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ पानीपत इफ मराठास वन एंड अहमद शाह अब्दाली had been defeated. तो वो जो है ये टॉपिक था उनका कि मराठास अगर जीतते हैं. देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, मराठा हारे थे. अहमद शाह अब्दाली पानीपत की लड़ाई में जीता था, लेकिन वो जो है वो ये प्रूव करना चाहते थे, वो ये बात प्रदर्शित करना चाहते थे कि अगर इसका रिजल्ट इनवर्स होता, उल्टा हो जाता, क्या कि अगर मराठा जीत रहे हैं और अहमद शाह अब्दाली हारते हैं तो क्या परिणाम होते, उनके ऊपर उन्हें स्पीच देना था, जिससे कुछ दिन पहले वो जो थे टकरा गए और उनके जो थे अनुभव वो पास्ट में चले गए. और ही शेयर हिज व्यूज, उन्होंने अपने विचारों को बताया अपने मित्र को जिसका नाम राजेंद्र देश पांडे था. अब यहाँ से क्या हुआ, जो राजेंद्र देश पांडे थे वो कहते हैं क्या, सेज दैट द प्रोफेसर राजेंद्र देश पांडे सेज दैट प्रोफेसर गेट नॉट was in the present but was experiencing different worlds. आप किसी चीज की बायोग्राफी पढ़िए, चाहे कुछ किसी भी, मान लीजिए महात्मा गांधी की किसी की भी बायोग्राफी आप पढ़ रहे हैं, गहराई से पढ़ रहे हैं, डीपली पढ़ रहे हैं, एंड इफ यू आर स्टडिंग लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक आप कंटिन्यूटी में पढ़ते जाओ, दो तीन चार पांच महीने, छह महीने, सात महीने कंटिन्यूटी में पढ़ोगे, इन सम सेंसेस कुछ अर्थों में यू विल क्रिएट, दे विल क्रिएट एन इल्यूजन इन योर माइंड, आपके दिमाग में एक भ्रम तो उत्पन्न होगा कि यस दे आर द रियल कंडीशंस, एंड यू विल सी, आप ये महसूस भी करोगे कुछ परसेंट हिप्नोटाइज होगे कि वो जो घटनाएं हैं आपको रियल फैक्ट के तौर पे दिखाई देंगे. वही स्थिति थी इसके साथ प्रोफेसर गहलोत के साथ. ये राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र देशपांडे बताते हैं कि ही वाज लिविंग इन प्रेजेंट. देखिए वर्तमान समय में तो रह रहे हो, लेकिन वर्तमान में समय में रहते रहते वो एक्सपीरियंस करते हैं दो संसारों का, डिफरेंट वर्ल्ड्स का. अब ये डिफरेंट वर्ल्ड्स कैसे होगी, एक तो संसार वो जिसमें एक्चुअली वो रह रहे इसमें प्रेजेंट में, ठीक है, एक संसार वो जिसमें वो प्रिज्यूम कर रहे हैं बैटल ऑफ पानीपत को किसमें, पास्ट में. तो एक समय में एक व्यक्ति दो जगह पे नहीं रह सकता, या तो वो पास्ट में से रह सकता है या वो प्रेजेंट में रह सकता है. लेकिन जो प्रोफेसर गेंटोर थे, he was mentally disturbed because he was deeply thinking about his speech. वो गहराई से अपने भाषण के बारे में सोच रहे थे. So he was considering himself that he is living in both world, कि वो दोनों संसार में रह रहे हैं, in the past और in the
present. And he shared all his experiences with his friend who was a scientist called Rajendra Desh Pandey. ओके इसके बाद में जो प्रोफेसर गेंटोर्ड हैं राजेंद्र प्रसाद हैं राजेंद्र जो हैं वो कहते हैं कि ये जो थ्योरी थी उनकी जो थ्योरी थी वो कैटास्ट्रोफिक थ्योरी थी पे आधारित थे। कैटास्ट्रोफिक थ्योरी क्या होती है? विनाशकारी सिद्धांत, विनाशकारी सिद्धांत। देखिए अब विनाशकारी सिद्धांत का प्रोफेसर देशपांडे सॉरी साइंटिस्ट देशपांडे ने क्यों प्रयोग किया? क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान और भूतकाल दोनों स्थितियों में एक साथ रह रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी जो थिंकिंग है उसकी जो सोच है वो लगभग जो है वो विनाशकारी सिद्धांत या कैटास्ट्रोफिक थ्योरी पे आधारित हो जाती है क्योंकि न तो पूर्ण रूप से प्रेजेंट में रह पाता है और न ही ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से पास्ट में रह पाता है जो स्थिति प्रोफेसर आती थी। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोफेसर थे जैसे कि आप जानते हैं स्टार्टिंग से प्रोफेसर से थे उनके अंदर एक ऑब्सेशन था, ऑब्सेशन मींस जुनून था, एक जुनून क्रिएटिव जो पागलपन था कि यस आई हैव टू गिव द मोस्ट गुड मोस्ट एडवेंचरस स्पीच अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत इनवर्सिव रिजल्ट, मेरे को सबसे अच्छा स्पीच देना है। तो उस ऑब्सेशन के कारण उनके दिमाग में एक क्रिएट हुआ क्या इल्यूजन क्रिएट हुआ भ्रमति उत्पन्न हुई कि वो पास्ट में रह रही है वर्तमान में रहते हुए बात करने लगे इसकी पास्ट की और वो बातें उन्होंने अपने मित्र को बताई और उनके मित्र ने कहा कि ये जो थिंकिंग है ये उनके लिए पॉजिटिव नहीं है उनके लिए विनाशकारी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में जो आगे है कि भाई जो सर्कमस्टेंसेस ये बिहेवियर है देखिए जो ये आपके जो है क्या नाम है प्रोफेसर गेंटोर्ड जो है गंगाधर पंत वो अपने व्यूज या विचारों को प्रकट कर रहे हैं एक जर्नी के तौर पे दैट इज शिफ्टिंग फ्रॉम हिज व्यूज प्रेजेंट टू पास्ट। इसमें आप एक चीज देखिए कि जो राजेंद्र आपके प्रोफेसर गंगाधर पंत है जैसे कि आपको मैंने बताया गंगाधर पंत गंगाधर पंत ठीक है गंगाधर गंगाधर पंत गंगाधर पंत की जैसे मैंने आपको बताया गंगाधर पंत की जब हम बात करते हैं तो इन बिगनिंग ही वाज ट्रैवलिंग यू नो दैट डे गंगाधर पंत लिव्स इन पुणा ही वाज फ्रॉम पुणा ओके बट ही वाज नाउ शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग जब वो यात्रा कर रहे हैं कहां से पुणा टू बॉम्बे के अनुभवों को अपने बताते हैं जब वो अपने स्पीचेस को देने के लिए जा रहे हैं बॉम्बे में बैटल ऑफ पानीपत के बारे में और यहाँ पे एक ट्रेन के द्वारा वो यात्रा कर रहे हैं जिसका नाम क्या है जीजामती एक्सप्रेस जीजामती एक्सप्रेस में वो ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है सो ही वाज गोइंग टू अबाउट गोइंग टू मुंबई इन मुंबई जो आधुनिक नाम है और प्राचीन समय में जिसका नाम क्या था बॉम्बे वहां पे वो जा रहे हैं इसके लिए अपना स्पीच देने के लिए जो हिस्ट्री थी पानीपत की बैटल की उसके बारे में। ठीक है तभी एक छोटे से स्टेशन पे ट्रेन स्टॉप एट ए स्टेशन जब व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे ट्रेन स्टॉप एट ए स्मॉल स्टेशन ट्रेन स्टॉप एट ए स्मॉल स्टेशन कॉल्ड
सरहद। यात्रा के दौरान जो ट्रेन थी वो एक छोटे से स्टेशन पे खड़ी हुई और उस ट्रेन में सवार हुए कौन? एंग्लो एंड एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन went through the train, went through the train. तो जो ट्रेन थी वो रुकी कहाँ पे? एक छोटे से स्टेशन पर, और छोटे से स्टेशन जिसका नाम सरहद था, वहां से उस ट्रेन में दो एंग्लो इंडियन जो थे वो ट्रेन के अंदर चढ़े। इस तरह से उनकी यात्रा चली और जो ये आपके प्रोफेसर गेंटोर थे नंगादरपर के, ये दिल्ली पहुंचे। एंड आफ्टर गोइंग टू दिल्ली ही गॉट वेंट टू ए लाइब्रेरी, वो एक लाइब्रेरी में गए एंड फ्रॉम लाइब्रेरी गंगाधर पंत, देखिए व्हेन गंगाधर पंत वाज रीच्ड मुंबई, जब गंगाधर पंत जो थे वो मुंबई में पहुंचे, मुंबई में पहुंचने के बाद जो गंगाधर पंत थे फाउंड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को पाया कहां पे? जो ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश शासन में अपने आप को पाया, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ही इज लिविंग इन प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट एंड पास्ट बोथ, प्रेजेंट और पास्ट में रह रहे हैं। तो पास्ट में वो सोचते सोचते सोचने लगे किसके बारे में? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, और उन्होंने खुद को पाया कहां पे? ईस्ट इंडिया हाउस, ईस्ट इंडिया हाउस में पाया, जो कि हेडक्वार्टर्स था किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो गंगाधर पंत जो है इस तरह से ब्रिटिश राज के बारे में पहुंच गए। देखिए पहले आप देखिए पूना से वो जा रहे हैं, वर्तमान समय में पूना से मुंबई पहुंच गए, मुंबई पहुंचने के बाद एक बिल्डिंग है इमारत के पास, वो पढ़ रहे हैं क्या कि वो इमारत किसी और नाम से है, लेकिन गंगाधर पंत अपने आप को पास्ट में कंसीडर कर रहे हैं, ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश शासन के समय में अपने आप को मान रहे हैं, और उस बिल्डिंग के आगे पढ़ रहे हैं क्या? ईस्ट इंडिया हाउस, जिसके आगे लिखा हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मीन्स इज नाउ इन पास्ट टाइम, ठीक है। इसके बाद में he remembers the words he had been he is remembering all words and incidents of 1857 revolution। देखिए यहाँ पे जो प्रोफेसर गंगाधर पंत है उस इमारत में एंटर करते हुए बाहर खड़े हुए सोच रहे हैं जो 1857 की क्रांति की उसमें जो घटनाएं हुई या जो देश को जख्म मिले, जो नुकसान हुआ, उसके बारे में वो परिकल्पना करते हैं, ठीक है। फिर जो प्रोफेसर गेंटोर है वो पहुंचते हैं कहाँ पे? गंगाधर पंत एक टाउन हॉल लाइब्रेरी में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद सोचते सोचते वो पहुंच जाते हैं, इसमें प्रवेश करते हैं एक टाउन हॉल लाइब्रेरी में, टाउन हॉल लाइब्रेरी में वो प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे जो गंगाधर जो गंगाधर पंत हैं वो पहुंचते हैं लाइब्रेरी में, और इस पुस्तकालय में उन्हें कुछ प्राप्त होती हैं जहाँ पे 5 volumes या 5 भाग प्राप्त करते हैं, इसके जो बुक्स है उनको किताबें दिखाई देती है, 5 volumes of books he found on table, 5 भाग इसको पुस्तक के कहते हैं, जिसमें द पीरियड ऑफ अशोका,
अब देखिए किताबों के भाग कौन कौन से हैं। फर्स्ट वॉल्यूम, पांच वॉल्यूम मिली, फर्स्ट वॉल्यूम जो थी वो किसके बारे में थी? हिस्ट्री पीरियड ऑफ अशोका, हिस्ट्री पीरियड ऑफ अशोका, ठीक है। सेकेंड वॉल्यूम जो है वो निपटा तो थी किसके बारे में? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। थर्ड वॉल्यूम जो है वो निपटा तो थी इसके बारे में? मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी के बारे में। फोर्थ वॉल्यूम जो है ये चौथा भाग जो है किताब का वो उन्हें प्राप्त होता है इसके बारे में? औरंगजेब की डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु के बारे, डेथ ऑफ औरंगजेब, ठीक है। और फिफ्थ वॉल्यूम जो है वो उन्हें प्राप्त होती है अब ये जो पांचवा जो पुस्तक प्राप्त होती है वो उन्हें डिफरेंट टर्म्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में पता बताती है, डिफरेंट टर्म्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताती है। हिस्ट्री के बारे में बताती है विच and taken different term, different term means देखिए प्रोफेसर गेंटोर्ड जो थे वो लाइब्रेरी में पहुंचे गंगा दर्पण, उन्हें कुछ पुस्तकें प्राप्त हुई पांच। सबसे पहले तो पीरियड हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री पीरियड जो इतिहास का था अशोक का, उसके बारे में, समुद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में और औरंगजेब की मृत्यु के बारे में, ये चार पुस्तकें उन्हें उन्होंने पढ़ी। पांचवी पुस्तक जो थी वो उन्हें मिली जो इतिहास हमें पढ़ रहे हैं, जो इतिहास हम जान रहे हैं उनके विपरीत या उल्टे परिणाम के लिए, जिसमें उन्होंने इतिहास के परिवर्तन के बारे में जाना कि कैसे डिफरेंट हो रहा है, कि भाई मराठा को जहाँ पे हारना था वहां पे मराठा जो है वो जीत रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में देखा कि जो गंगाधर पंत थे उन्होंने एंड सडनली ही चेंज्ड हिज माइंड, तुरंत क्या हुआ कि जो पास्ट के इंसिडेंट्स थे उनमें से वो बाहर निकले, फिर प्रेजेंट की बातें करने लगे। तो एक एडवेंचर, एक रोमांस था जो उन्होंने पास्ट में पहुंच के जो कनेक्ट किया और जो अपने मित्र को बताया अनुभव के बारे में, कि इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद कि आप जब किसी चीज को डीपली पढ़ रहे हो उसके बारे में पास्ट में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हो, खुद को पास्ट में पा रहे हो। और तो इस तरह से उन्होंने अपने जो व्यूज थे वो राजेंद्र देशपांडे को बताया। तो ये आपका चैप्टर है जो यहाँ पे आपके समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। यदि आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।